नमस्कार, मैं मानव बुद्ध देव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, बीजेपी की लहर होते हुए भी निर्दलीय चुनकर आई अमरावती की लोकप्रिय सांसद श्रीमती नवनीत राणा जी सांसद बनते ही पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि जनता की समस्याओं को, देश हित के मुद्दों को वे सदन में बड़े प्रभावी ढंग से दबंगाई से रखती है। आज विश्व महिला दिवस के एक दिन पूर्व पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल की अमरावती की बहनें उनसे मिली, पूज्य बापू जी के बारे में उनसे चर्चा की। नवनीत जी ने पूज्य बापू जी के केस के बारे में पूरी सच्चाई और महिला उत्थान मंडल के सेवा कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी बड़े ही सकारात्मक तरीके से सुनी। महिला उत्थान मंडल की बातें न केवल सुनी बल्कि कुछ सवाल करके अधिक जानकारी जानना चाहा, इसीलिए मुझे भी पूज्य श्री के केस की सच्चाई बताने का अवसर मिला। जब बहनों द्वारा उन्हें ज्ञापन देते हुए फोटो निकाले जा रहे थे, तब नवनीत जी ने मुझे कहा कि भैया आप भी आओ। पूरे देश में सुर्खियों में छाई लोकप्रिय सांसद का इतना सरलता व सहजतापूर्ण व्यवहार देखकर हमने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमारे अमरावती की सांसद वाकई लोक नेता है। तब मैं भी उनके साथ फोटो में शामिल हो गया। अपनी भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, गुरु बहने और विदर्भ प्रदेश का गौरव ऐसी लोकप्रिय नेता नवनीत जी के साथ खड़े रहकर फोटो खिंचाने में मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। मैं इस वीडियो के जरिए देश के तमाम नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई आपके पास अपनी बात लेकर आए तो उन्हें ऐसे समय दे और आत्मीयता पूर्वक सुनते हुए उनकी बातों को सम्मान दे, महत्व दे। जो नेता अपने अहंकार को पोषने में ऊर्जा खर्च करते हैं, उन्हें नवनीत जी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे एक नेता को विनम्र और सरल हृदय होना चाहिए। निश्चित बहुत साधुवाद की बात रहे हमारे अमरावती की सांसद नवनीत राणा जी।